वर्की समोसा बनाना सिखा रही हूँ, जो कि आम समोसे से थोड़ा डिफरेंट होता है और क्रिस्पी भी ये इतना होता है, आप इसको करी पफ कह सकते हैं या इम्पनाडास कह सकते हैं। तो बहुत ही क्रिस्पी यमी इवनिंग स्नैक्स में ये शामिल किया जाता है, तो बहुत ही स्टाइलिश। अगर कुछ आप सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए स्पेशल हमने बनाई है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट आपको इंशाल्लाह ये रेसिपी जो है मैं इस तरह से सिखाऊंगी कि बच्चियां भी जो हमारी न्यू बिगनर्स हैं वो भी बहुत आसानी से इसको सीख लेंगे। और रमज़ान मुबारक के लिए मेरी तरफ़ से बहुत ज़बरदस्त ये आपके लिए तोहफा है। तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। Thank you.
चिकन टिक्का एग रोल आपको बनाना सिखाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रोल अप्स हैं ये, जो कि लंच बॉक्स वगैरह में या बच्चों को आप टिफ़न में दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में या शाम की चाय के साथ। बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान बनने वाली ये रेसिपी है। फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कोई भी कर सकती हैं। मेन मेथड जो है वो इसके क्रेप्स तैयार करने हैं, जो कि इसकी रोटी होती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले हमने दो अंडे लिए हैं, एक कप हमने दूध लिया है रूम टेम्परेचर पे, और इसके साथ हमने प्लेन मैदा जो है वो लिया है आधा कप, और इसके अंदर मैंने नमक और ये जो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर है 2 टेबल स्पून ये शामिल कर दिया है। नमक आप 1/2 टीस्पून ले लीजिएगा, और मीठा सोडा जो है 1 पिंच, ये 1/4 टीस्पून जितना मीठा सोडा इसमें ऐड कर रहे हैं, ताकि ये अच्छे फ्लफ़ी जो हैं हमारे क्रेप्स बन जाएं, इनकी रोटी जो है अच्छी तरह से तैयार हो जाए। अब ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने मिक्स कर दिए हैं, तो अब हम अंडे जो हैं वो एक बाउल में तोड़ लेंगे। अंडे जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे होंगे, तो आपके ये बहुत ज़बरदस्त बैटर जो है वो आपका तैयार होगा। आप इसी क्वांटिटी को बढ़ा के जितना मर्ज़ी कर सकते हैं। अंडों की मकदार अगर बढ़ाना चाहें, अगर अंडे बड़े साइज़ के हैं, मेरे पास अंडे बड़े साइज़ के थे इसलिए मैंने 2 डाले हैं, अगर छोटे साइज़ के या दरमियाने हैं तो आप 3 से 4 अंडे भी शामिल कर सकते हैं। अंडों को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे, और इसके बाद इसमें दूध शामिल कर देंगे। मैंने आधा कप जितना इसमें दूध शामिल कर दिया है, तकरीबन ये मेरे पास 1 कप जितना दूध है। अब ये सारे का सारा जो ड्राई मैदा और कॉर्नफ्लोर और नमक और बेकिंग सोडा था, ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, और अच्छी तरह से अब आपने बीट करना है इसको। आपने इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो चेक करते रहना है। बैटर बहुत पतला रनिंग नहीं होना चाहिए आपका, थोड़ा सा जो है ये थिक होना चाहिए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट में ही आपको पता चल जाएगा बेकिंग सोडे की वजह से भी, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें मैदा शामिल कर सकते हैं। अब मैंने इसमें कोई चीज़ और शामिल नहीं की, 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह से इसके लम्स वगैरह निकाले हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त ये बैटर तैयार हो गया हमारा। देखें ना, तो ये रनी है। अब इसमें एक चुटकी जितना कलर, फूड कलर ऐड करेंगे, ऑप्शनल है इसका कलर खूबसूरत देने के लिए। आप डालना चाहें तो डाल दीजिएगा, अगर ना डालना चाहें तो इसको छोड़ दीजिएगा, ना डालें। अब हम पैन हमने अपना फ्लेम पे हाई पे गर्म किया हुआ है, और इसमें मैंने ऑयल ब्रश किया है तकरीबन 1/2 टीस्पून जितना। अब एक बड़ा चम्मच लेके तो उससे आपने पैनकेक्स के लिए जिसे होता है इस तरह से बैटर डालना है, और अच्छी तरह से फ़ौरन से इसको घुमा देना है आपने। घुमाते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि चारों साइड पे इक्वली सारा बैटर जो है वो चला जाए। सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही ये जो है किनारे छोड़ देगा, ये देखें बहुत ही आसान है। और अब इसको टर्न कर लेंगे। आपने इसको कलर कोई नहीं देना, कुछ भी नहीं करना, पकाना भी ज़्यादा नहीं है। सिर्फ 1 मिनट में आपके ये एक जो है एग क्रेप जो है वो तैयार हो जाता है। ये देखें, ये निकाल के एक साइड पे कर लेंगे, तो ये एग रोल की जो पट्टी है ये हमारी तैयार हो गई। इसी तरह से दूसरा भी बना लेंगे, इसको भी हम टर्न कर देंगे। बहुत ही आसान है ये बनाने। आप लॉकडाउन में बहुत दफ़ा दिल करता है कि कोई समोसा पट्टी या रोल पट्टी नहीं है आपके पास, तो आप इस तरह से भी रोल बॉक्स पैटीज़ वगैरह इसके बना सकते हैं, एग रोल्स बना सकते हैं, या इसी तरह से आप इनको फोल्ड करके तो इसके अंदर जैम वगैरह या मेयोनीज और कुछ भी आप फिलिंग कर सकते हैं फ्रूट्स वगैरह की। ये देखें, सारे ही मैंने इस तरह से तैयार कर ली हैं। 4 से 6 अदद जितने भी आप बनाना चाहें आप बना लीजिएगा। इस क्वांटिटी में तकरीबन 8 से 10 जो हैं वो ईज़िली बन जाएंगे आपके। चलिए अब हम इसकी जो है फिलिंग तैयार करेंगे। फिलिंग के लिए सबसे पहले हम 2 टेबल स्पून जितना जो है कुकिंग ऑयल शामिल करें। मैं इसमें ऑलिव ऑयल शामिल कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऑयल शामिल कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो आप पाउडर है तो पाउडर डाल सकते हैं, अगर फ्रेश आपने चॉप किया वो डालने, या पेस्ट है जो भी आपके पास है उसको हल्का सा सोते करेंगे। आँच हमारी जो है मीडियम टू हाई फ्लेम पर है। जो ही ये देखें हल्का सा हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है हल्का सा सोते हुआ है, इसकी खुशबू आने लगी है। अब मेरे पास जो है वो इसमें मैं
शामिल कर रही हूँ चिकन। चिकन तकरीबन बॉईल किया हुआ मेरे पास 1 कप जितना है, जो कि मैंने रेशा किया हुआ है। एक थोड़ा सा नमक डाल के चिकन को बॉईल कर लीजिए। अब इसमें मैंने सोया सॉस शामिल किया है तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना। इस वजह से मैं नमक जो है वो कम इस्तेमाल करूँगी। रेड चिली सॉस जो है ये भी स्पाइसी करने के लिए आप 1 चम्मच डाल सकते हैं। अगर रेड चिली सॉस नहीं है तो आप इसको स्किप करके लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। चिकन टिक्का मसाला जो है बाज़ार का बना हुआ 1 टेबल स्पून भर के इसमें डाल देंगे। बंद गोभी 1 कप जितनी इसमें ऐड करेंगे। बंद गोभी के फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है और इसकी फिलिंग भी ज़्यादा हो जाएगी आपको, यानी कि जब आप फिल करेंगे तो काफ़ी सारा ये आपका मटेरियल तैयार हो जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप इसमें और भी फिलिंग के अंदर गाजरें, शिमला मिर्च या हरा प्याज या आम नॉर्मल जो प्याज होता है वो भी शामिल कर सकते हैं। हरी मिर्च शामिल कर सकते हैं, धनिया पुदीना शामिल कर सकते हैं, जो आपके पास आसानी से अवेलेबल है आप इसकी फिलिंग के अंदर डाल सकते हैं। इवन अगर आप आलूओं से यही फिलिंग बनाना चाहें तो आलूओं से भी इसी तरह की पोटैटो टिक्का फिलिंग आप तैयार कर सकते हैं। अभी हाई फ्लेम पे हमने रखा हुआ है और अब मैं इसके अंदर जो है मैदा शामिल कर रही हूँ। मैदा जो है वो इसकी बाइंडिंग अच्छी करेगा, अंदर से इनको सॉफ्ट नहीं होने देगा। तो मैदा जो है 1 टेबल स्पून इतना डाला है। मैदा नहीं है, कॉर्नफ्लोर है तो वो डाल लीजिए। अगर कॉर्नफ्लोर और मैदा दोनों नहीं है तो नॉर्मल आम जो घर का आटा होता है आप वो डाल सकते हैं। अब अच्छी तरह से जब आप इसको मिक्स करेंगे तो ये ड्राई फॉर्म में आ जाएगा, सॉगी नहीं होगा। जब आप इसको लपेटेंगे एग रोल्स के अंदर तो फिर वो गीले नहीं होंगे, अंदर से टूटेंगे नहीं। इस वजह से हमने इसमें मैदा शामिल किया है। थोड़ी सी ब्लैक पेपर हम ऐड कर रहे हैं, 1/2 टीस्पून डाली है इसमें। आप स्पाइसेस जो हैं अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर नमक मिर्च जो है वो ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप चख के अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते। गरम मसाला डालना चाहें आप वो डाल सकते हैं। अब जाएगी इसके अंदर थोड़ी सी टमाटो कैचअप। मैदा क्योंकि इसके अंदर शामिल किया है इस वजह से टमाटो कैचअप जो है फ़ौरन से ही ड्राई हो जाएगी। आंच आपने बंद करके 2 टेबल स्पून जितनी टमाटो कैचअप डाल देनी है। तो ये बहुत ज़बरदस्त आपका जो है मिक्सचर तैयार हो जाएगा इसकी फिलिंग का। क्योंकि पैन हमारा अभी गर्म है और हमने इसमें मैदा भी शामिल किया था, तो ये देखें तमाम चीज़ें अच्छी तरह से बाइंड हो गई हैं, कोई भी चीज़ वेट नहीं रही क्योंकि इसमें मैदा शामिल किया था इस वजह से। अब ये थोड़ा सा मोजरेला चीज़ इसमें ऐड किया है। मोजरेला चीज़ ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। चेडर चीज़ डाल सकते हैं, मोजरेला डाल सकते हैं, जो भी आपके पास है वो आप इसमें डाल के तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दीजिएगा। अब ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ी जो है आपकी चिकन टिक्का की फिलिंग तैयार हो गई है। अब इसको थोड़ी देर आपने ठंडा करना है, उसके बाद आपने इसको यूज़ करना है। अगर गरम गरम आप फिल करेंगे तो फिर ये आपकी जो फिलिंग है वो आपके एग रोल्स को ख़राब कर देगी। चलिए इसको ठंडा करते हैं। अब ये देखें मैंने 2 टेबल स्पून जितना मैदा लिया था और 1/4 कप इसमें पानी डाला है और इसका पतला सा बैटर बना लेंगे। अच्छी तरह से इसको बीट करके एक साइड पे रख लेंगे। इससे हम जो है इसको साइडों से जो है इसको सील करेंगे, यानी कि एग रोल्स जो हम बनाएंगे तो उनको बंद करने के लिए ये बैटर इस्तेमाल करेंगे। आप अंडे से या पानी से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन पानी से ये खुलने का भी होता है इसका। तो आप इस तरह से मैदा और पानी का अगर मिक्सचर बना लेंगे, या कॉर्नफ्लोर और पानी का, या आटे और पानी का थोड़ा सा लेई टाइप पतला सा बैटर बना के रख लें साइड पे। चलिए अब एक एग रोल ले लेंगे, ये ठंडे हो चुके हैं रूम टेम्परेचर पे। अब हम इसमें फिलिंग जो है वो शामिल करेंगे। ये देखिए इस तरह से एक साइड पे आपने फिलिंग जो है चिकन टिक्का, चीज़ चिकन टिक्का की फिलिंग रखी, दोनों साइडों के कॉर्नर अंदर को फोल्ड किए, नीचे से आपने इसको ऊपर को प्रेस किया और फोल्ड कर दिया। जिस तरह नॉर्मल स्प्रिंग रोल्स वगैरह बनते हैं सेम उसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा। अब ये जो है अमेजा हमने बनाया है बैटर पतला वाला जो मैदे का, ये आपने लगा देना है अच्छी तरह से। तो अब आपने इसको फोल्ड कर देना है।
थोड़ा सा जो जो साइड आपकी टूट जाती है उसको आप अंदर कर सकते हैं या बाहर कर सकते हैं, जैसे भी आपको आसानी रहे। अब हम इनको बना के तो जो साइड हमने सील की है उसको आप एक साइड पे नीचे को करेंगे तो उससे भी ये खुलेंगे नहीं। दूसरा बना लेते हैं, बहुत ही आसान है। इवन ये फिलिंग करके आप इनको बना के इनको क्रम्स वगैरह लगा के आप 1 महीने के लिए आसानी से फ्रीज कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। रमज़ान मुबारक के लिए इनको आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं एयर टाइट डब्बे में या जिप लॉक बैग में। पहले इनको फ्रीज़ करने के लिए आप ट्रे में रख लीजिए 4 से 6 घंटे के लिए। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे फिर उसके बाद आप किसी बॉक्स में या एयर टाइट डब्बे में डालिएगा। ये देखें इस तरह से टर्न करना है आपने, आराम आराम से फोल्ड करना है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। जो एग क्रेप्स होते हैं हमारे, ये जो पट्टी हमने मांडा पट्टी बनाई है अंडे की, ये बहुत सॉफ्ट है तो इस वजह से आपने इसको बहुत आराम से हैंडल करना है। और गरम गरम को बिल्कुल यूज़ नहीं करना, यानी आधा घंटा अगर पड़ी रहेगी सॉफ्ट हो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी आपकी फिलिंग भी, और ये जो हमने मांडा पट्टी बनाई है एग रोल्स के लिए एग क्रेप्स, तो फिर आपने इनको यूज़ करना है इस तरह हल्का हल्का जो है आपने फिलिंग को फैला के, तो फिर उसके बाद टर्न करना है। एक तरीका जो मैंने फिलिंग का ये बताया था, एक ये रोल करने का दूसरा तरीका भी आप देख लीजिए। इस तरह से अच्छी तरह से आपने बैटर लगाना है, बैटर लगाने से बहुत अच्छी तरह से ये बाइंड होना चाहिए, आपके खुलने नहीं चाहिए ये। इसी तरह से जो है सारे हम रोल जो है वो बना लेंगे और इसके बाद आपको दिखाते हैं कि इनको हमने नेक्स्ट जो है कोटिंग कैसे करनी है। चलिए अब ब्रेड क्रम्स मेरे पास हैं, ये तकरीबन 4 से 6 जो हैं ब्रेड्स के डबल रोटी का जो है वो मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए हैं। आप इनके किनारे काट के उनके भी ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। अब ये जो मैदे का बैटर है इसी में ही हम इसको पहले डिप कर लेंगे। मैं अंडा वगैरह इसमें शामिल नहीं कर रही क्योंकि पहले ही ऑलरेडी हमने इसमें अंडा शामिल किया हुआ है, तो इसलिए अब इसको सिर्फ मैदा और पानी का बैटर जो है उसमें इसको डिप करेंगे और इसके बाद ब्रेड क्रम्स में रोल कर देंगे। ब्रेड क्रम्स में इसके किनारे अच्छी तरह से आपने इस तरह से कोट करना है। इसी तरह से दूसरा ले लेंगे और उसको भी इस तरह ही रोल करेंगे। आपने बैटर जो है वो पतला रखना है, अगर आपने बैटर जो है थोड़ा थिक रखा तो फिर ये आपकी कोटिंग जो है ये ऊपर लगते लगते ही आपके जो एग रोल्स हैं ये टूट जाएंगे। बहुत डेलिकेट होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो इनको बहुत आराम से नरमी से हैंडल कीजिएगा। ब्रेड क्रम्स इस तरह से लगा के तो फिर आप इनको फ्रीज कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी रेसिपीज देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको टाइम पे मिल जाएं। ये बिल्कुल फ्री है और इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक और उसके बाद ईद के लिए आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त जो हैं न्यू रेसिपीज़ लेके आएंगे, थोड़ी सी हट के, थोड़ी डिफरेंट, स्पेशली बच्चों की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे स्नैक्स वगैरह बनाएंगे जो कि इजीली लॉकडाउन में आपके पास इंग्रेडिएंट्स घर में मौजूद हों तो आपको भी आसानी रहे बनाने में। अब ये थोड़ा सा ये देखें साइड से जो है वो हल्का सा जो है वो क्रैक हो गया, लेकिन जब हमने इसको कोटिंग किया तो वो सेट हो गया। तो हल्का सा अगर आपका एग रोल जो है थोड़ा सा टूट भी जाएगा तो आपने घबराना नहीं है, इसको थोड़ा सा मैदे का बैटर लगा के तो उसके बाद कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स की तो ये सेट हो जाएंगे। सारे ही इस तरह से मैंने तैयार कर लिए हैं, तकरीबन ये 8 से 10 जो हैं मेरे बने थे इस तरह के, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खाने में भी लाजवाब हैं और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। इनको फ्रीज कर सकते हैं इसी तरह से। अब हाई फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है, सो बिल्कुल लो फ्लेम पे नहीं करना। हाई फ्लेम पे फ्राई करने से ये फ़ौरन इनका कलर जो है, हमने सिर्फ इनको कलर देना है क्योंकि तमाम चीज़ें इसमें पकी हुई हैं, सिर्फ ब्रेड क्रम्स जो हैं सिर्फ उनका है कि उनको कलर देना है आपने। तो अगर आप मीडियम फ्लेम पे रखेंगे तो ये ऑयल बहुत ज़्यादा जज़्ब कर लेंगे। ये देखें फ़ौरन से इनको कलर जो है आ गया, सिर्फ 1 से 2 मिनट में ये एक साइड से गोल्डन हो जाएंगे तो फिर आपने टर्न करके दूसरी साइड इनकी कर देनी है। बहुत ही ज़बरदस्त ये इंशाल्लाह ताला आप लोग भी बनाएंगे तो मेरे से भी अच्छे, बल्कि इंशाल्लाह आपके ये एग रोल तैयार होंगे। ये देखें कितने सुनहरी और कितने खूबसूरत, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट,
और चिकन टिक्का की फिलिंग इसमें बहुत ही ज़बरदस्त, चीज़ और चिकन की जो कॉम्बिनेशन है उससे बहुत ही बच्चे भी बड़े भी सभी बहुत इसको इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो आज ही इसको बना लीजिएगा, रमज़ान मुबारक में बना लीजिए, या ईद की जो है वो आप स्पेशल जो रेसिपीज टी टाइम के लिए बनाना चाहेंगे, ईद की ट्रॉली के लिए, उसमें आप इसको रखिए, या आप अपने गेस्ट वगैरह के लिए शाम की चाय के साथ बना सकते हैं, या फैमिली के साथ आप संडे लंच ब्रंच में इनको बना सकते हैं, या ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं, हस्बैंड्स को लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं, बहुत सारी जगह पे आप इनको यूज़ कर सकते हैं, पिकनिक पार्टीज़ वगैरह के लिए, किटी पार्टीज, बर्थडे पार्टीज़ वगैरह के लिए, हर जगह पे आप ये बहुत ही सिंपल और इजी स्नैक्स में आप इनको काउंट कर सकते हैं। तो ज़रूर आपने बनाने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। जब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताते हैं मुझे बहुत खुशी होती है। मिंट मार्गरीटा आपको 2 मिनट में बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके लिए हमने 15 से 20 पत्तियाँ पुदीना यानी कि मिंट की ली हैं, डंडियाँ नहीं हमने ली, सिर्फ पत्तियाँ ली हैं। इसके साथ एक चुटकी आप ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ डालेंगे, और ब्लैक पेपर या ब्लैक सॉल्ट जो आपको पसंद हो। मेरे पास ये स्कंजवी मसाला पाउडर है, इसकी रेसिपी मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको, या आप कुटा हुआ ज़ीरा डाल सकते हैं। बर्फ़ इसमें शामिल कर देंगे, आप कूट के डाल दें या आइस क्यूब्स हैं वो डाल दीजिए, एक प्याले जितने डालेंगे इसमें, और 1 गिलास जितना पानी डाल देंगे इसमें। अब इसके अंदर जो है 1 लीमू का जूस डाल रही हूँ मैं, इसमें शामिल कर रही हूँ, और अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तो आपका ये मिंट मार्गरेटा तैयार होगा। तो अभी मैंने इसमें चीनी शामिल नहीं की, पहले मैं ये तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करूँगी, इसके बाद चीनी शामिल करूँगी। चलिए अब मैं इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ हसबे ज़रूरत। मैंने इसमें 3 टेबल स्पून डाली है, आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। दोबारा से इसको ग्राइंड करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये हमने तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है, तो अब सर्विंग ग्लासेस में ठंडा ठार ये मिंट मार्गरीटा के लिए पहले हम ये मिक्सचर जो बनाया है इसको डाल देंगे। अब इसके अंदर आप सोडा कोई भी ले सकते हैं, 7 अप वगैरह जो भी होती हैं, वाइट सोडा वो आप इसमें डाल दीजिए। बहुत ही टेस्टी और इतना मज़े का आपका बिल्कुल प्रोफेशनल, जो आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके पीते हैं लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं पी सकते, तो आप इसको घर में बनाइए। रमज़ान मुबारक में बहुत रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है, आपका जो भी खाया पिया होगा इंशाल्लाह उसको हज़म करेगा, और आपका मैदा भी सेट रहेगा, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी नहीं होगी इससे, और जितना भी आपने जंक फूड वगैरह या ऑयली चीज़ें खाई होंगी तो उनको फ़ौरन से ये हज़म कर देगा। तो ज़रूर बनाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और क्रिस्पी मिक्स्ड वेजिटेबल पकोड़ा बनाना सिखाएंगे आपको। आज का दिन बहुत ही खूबसूरत बारिश और ठंड वाला दिन है, गर्मियों में ठंडक का एहसास हो रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि स्पेशल रमज़ान भी है तो क्यों ना आज क्रिस्पी ज़बरदस्त किस्म के ऐसे पकोड़े बनाएं जो कि हर कोई घर में आसानी से बना ले। तो इसके साथ साथ हम होममेड पकोड़ा मिक्स भी आपको बनाना सिखाएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पकोड़ा मिक्स की रेसिपी जो है उसको स्टार्ट करते हैं। पकोड़ा मिक्स जो है ये 1 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, 1 से 1.5 महीना आप डब्बा भर के रख सकते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है आधा कप ज़ीरा, 25 से 30 जो हैं काली मिर्चें ली हैं, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, इनको हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ज़ीरा जो है ड्राई रोस्ट हो जाए तो इसकी खुशबू ही अलग हो जाती है, बहुत ही ज़बरदस्त और फ्लेवरफुल इसका ज़ायका हो जाता है। जिस भी चीज़ में डालें आप ये ज़ीरा, उससे बहुत ही अच्छा खुशबूदार ज़ायका उसका हो जाएगा। ज़ीरे को हल्का सा रोस्ट करेंगे तो उसके बाद इसको निकाल लेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है आपने, स्किप नहीं करना, क्योंकि ये पकोड़ा मिक्स और इसके साथ साथ ये मिक्स वेजिटेबल के जो पकोड़े मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, इंशाल्लाह ताला आपके दोबारा भी इनको बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह आप लोग भी इसको इंजॉय करेंगे। चलिए ये हमारा ज़ीरा हो गया है, तो इसको अब मैं निकाल लेती हूँ, और इसी पैन में मैं अब 1 कप सूखा धनिया डालूंगी, साबुत सूखा धनिया, इसको भी मैं ड्राई रोस्ट कर लूंगी।
1 से 2 मिनट मैंने ड्राई रोस्ट इसको किया है, अब इसको भी मैं निकाल लूँगी। सूखा धनिया भी बहुत खुशबूदार हो जाता है ड्राई रोस्ट होके, और ज़ीरा भी, दोनों को निकाल के तो एक साइड पे रख लेते हैं। अब आ जाते हैं इनके मेन इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बेसन है मेरे पास तकरीबन 1 केजी, और हाफ के जी हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। अगर तो आप बाज़ार जैसे पकोड़ा मिक्स चाहते हैं तो फिर आपको मैदा लाजमी शामिल करना पड़ेगा, वरना आप 1/4 भी कर सकते हैं, नहीं 1 पाव 250 ग्राम आप मैदा ले सकते हैं अगर हाफ के जी नहीं डालना चाहते। तो 1 किलो बेसन के अंदर 1 कप जो है ये सूखा धनिया, आधा कप अनारदाना, अनारदाना भी जो है अच्छी तरह से खुश्क हो, ड्राई हो, और खुश्क धनिया 1 कप जितना जाएगा इसमें। ज़ीरा जाएगा तकरीबन आधा कप जितना, सुरख मिर्च जो है दादर मिर्च जिसे कहा जाता है ये भी आधा कप जाएगी, अजवाइन 1/4 कप जितनी जाएगी, और कसूरी मेथी भी 1/4 कप जितनी ऐड करेंगे इसमें। तो चलिए अब हम सबसे पहले मैदा शामिल करते हैं बेसन के अंदर, और इसके बाद इसमें कसूरी मेथी जो है 1/4 कप ऐड कर देंगे। कसूरी मेथी के साथ अब इसमें अजवाइन डाल देंगे 1/4 कप जितनी, और ये रेड चिली फ्लेक्स यानी कि सुरख दादर मिर्च, और अब इसके अंदर शामिल कर देंगे ज़ीरा। लेकिन पहले ये 3 चीज़ें जो हैं, अनारदाना, सूखा धनिया और ज़ीरा, इनको हल्का सा रफली ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना आपने, दरदरा सा आपने इनका, यानी थोड़ा सा मोटा मोटा भी दाना रहे इनके अंदर। तो इन तीनों चीज़ों को ग्राइंड करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें, इस तरह से मैंने ग्राइंड कर लिया है सूखा धनिया, ज़ीरा और अनारदाने को, और सूखा धनिया जो है ये अलहदा से ये प्याले में नज़र आ रहा है आपको। इसको मैंने सिर्फ एक बार कुछ सेकंड के लिए मिक्सी में किया ताकि साबुत भी रहे और थोड़ा सा पाउडर में भी बन जाए। अब सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। आप सोच रहे होंगे कि मिर्च जो है वो कम डाली है, तो मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया। नमक जो है बाज़ दफ़ा ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से नमक कम या ज़्यादा जो है इसमें डाल सकते हैं। प्रॉपर एक ये पकौड़ा मिक्स आपका तैयार है, इससे आप बहुत तरह के पकौड़े जो हैं बना सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके एयर टाइट डब्बा भर के रख लीजिए। रमज़ान मुबारक में या आम रूटीन में भी अगर पकौड़े बनाने हों तो इंशाल्लाह ताला आप इनको बना कर रखेंगे। इसमें ड्राई रोस्ट किया हुआ सूखा धनिया और ज़ीरा है, जिसकी वजह से इसको फंगस नहीं लगेगी, इसमें कीड़ा नहीं पड़ेगा। तो 1 से 1.5 महीना तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। चलिए अब आ जाते हैं मेन रेसिपी की तरफ। तो ये हमारे पास बैंगन है 1 कप जितने, 2 दरमियाने साइज़ के बैंगन थे, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं जिनको रफली चॉप किया हुआ है, और 2 बड़े आलू हैं। एक एक कप का आप रेशो ले लीजिए कि 1 कप बैंगन, 1 कप प्याज और 1 कप आलू। अब ये क्रश किया हुआ लहसुन है मेरे पास 1 टेबल स्पून, यानी 8 से 10 जवे छोटे वाले जो हैं लहसुन के, उनको रफली चॉप किया हुआ है। अब इसके अंदर मैं ये जो अभी मैंने पकौड़ा मिक्स बनाया है ये 1 कप भर के मैं इसमें ऐड कर दूंगी। 1 कप जितना डालेंगे इसमें ये पकौड़ा मिक्स जो है ये आपके बहुत ही काम आएगा। इसमें अगर आप मसाले अपनी मर्जी से ज़्यादा करना चाहें तो एक्स्ट्रा जो है वो बाद में डाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मल आप इस तरह हल्के मसाले डाल के तो रख सकते हैं। अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल कर रही हूँ, जैसा कि 1 टेबल स्पून नमक और रेड पेपर अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून जितनी। आप इसकी जगह पे हरी मिर्चें भी बारीक कूट के या बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं। बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे, इससे बहुत ही क्रिस्पी और फूले हुए हमारे पकौड़े तैयार होंगे। और अब ये मेरे पास भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है जो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऐड किया है। अजवाइन डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। ये तमाम मसाले दोबारा से इसमें इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसमें हमने सब्जियां ऐड की हैं। अब ये थोड़ा सा साबत धनिया जो है इसको हल्का सा दरदरा सा मैंने इस तरह हाथ हावन दस्ते में पीसा है, तो ये भी इसमें बहुत ही खुशबू में इजाफा करेगा, इसका फ्लेवर को बढ़ा देगा। और अब तकरीबन आधा कप पानी इसमें जाएगा, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा डालिएगा। अगर तो आपने सब्जियां फ्रेश धो के डाली हैं इसमें तो फिर आप बहुत रोक रोक के पानी डालिएगा,
और दबा के अच्छी तरह से आपने सारा अमेजा जो है इसमें लगा देना है। ये एक दफ़ा जब अच्छी तरह से कोट हो जाएगा तो फिर अब इसमें हम मैदा शामिल करेंगे आधा कप जितना। मैदा अगर आपके पास नहीं है, चावल का आटा है, तो आप चावल का आटा ऐड कर सकते हैं, या चावल का आटा भी नहीं है तो आम घर का जो आटा होता है, गंदम का आटा, चक्की का आटा, आप वो भी डाल सकते हैं। तो अब अच्छी तरह से ये देखें, ये अब इसकी ग्रिप जो है प्रॉपर एक शेप ले रही है। अच्छी तरह से जब मैंने इनको तमाम मसालों को मिक्स किया तो ये प्रॉपर एक शेप ले रही। अब इसके अंदर लास्ट इंग्रेडिएंट जो है वो शामिल किया जाएगा, हल्दी का। हल्दी जो है वो मैंने शुरू में नहीं डाली, शुरू में डालने से हल्का सा ये पानी छोड़ देगी सब्ज़ी आपकी, तो एंड में डालने के साथ ही आपने फ़ौरन से इनको फ्राई कर लेना है। तो हाफ टी स्पून जितनी तकरीबन इसमें हल्दी शामिल करके तो अच्छी तरह से अब इसको मिक्स कर देंगे। अब आपने इनको बिल्कुल भी रखना नहीं है, आपने साथ ही ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख देना है। हम इनको डीप फ्राई करेंगे अच्छी तरह, मसल मसल के हल्दी भी इसमें शामिल कर दें, और तमाम अमेज़ा ये देखें यकजा हो गया है। तो अब हम इनके पकोड़े बनाते हैं। अब ऑयल हमारा मीडियम फ्लेम पे गर्म हो चुका है, तो अब इसमें हाथ की मदद से मैं इसमें पकोड़े जो हैं बना रही हूँ। आप चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से जैसे भी आप डालना चाहें, इसमें जितना आपका पैन है फ्राई पैन उसमें उतनी क्वांटिटी में डालिए ताकि खिले खिले रहें आपके, ये जुड़े ना आपस में। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची ये वेजिटेबल पकौड़े आपके बनेंगे, ना सिर्फ रमज़ान मुबारक में बल्कि इवनिंग स्नैक्स में। कभी शाम को चाय के साथ आपका दिल करता है कुछ खाने को, तो झटपट आप कोई भी सब्जियां हैं आपके पास, बंद गोभी है या हरा प्याज है, आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे वेज टेम्पूरा बनता है सेम उसी तरह आप इनको भी फिंगर्स में काट के तो टेम्पूरा स्टाइल में पकोड़े बना सकते हैं। वेज टेम्पूरा भी मैं इंशाल्लाह जल्दी आपको चाइनीज़ स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएं। और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे हौसला अफजाई रहे, और इंशाल्लाह मैं मज़ीद अच्छी से अच्छी आपके लिए रेसिपीज़ जो हैं वो लेके आती रहूँ। मेन जो है मुझे इस बात का है कि हमारी बिगनर्स जो बच्चियाँ हैं उनको मैं आसान तरीके से कुकिंग सिखाऊँ, जिसमें मेरी अपनी बेटी भी शामिल है जो कि अभी मैट्रिक के एग्ज़ाम्स के बाद फारग है, तो मैं चाह रही हूँ कि वो भी मेरे साथ कुकिंग सीखे। तो इसलिए मैं बहुत आसान तरीके से कुकिंग जो है आप लोगों को सिखा रही हूँ, ताकि बच्चियाँ जो हैं हमारी वो भी स्पेशली इसको एंजॉय करें और सेफ़ तरीके से, आसान तरीके से अपने लिए या घर वालों के लिए कुछ भी बनाना चाहें तो उनको प्रॉब्लम ना हो। अब ये हमारे बहुत ही क्रिस्पी हो गए हैं पकोड़े, बिल्कुल रेडी हो गए हैं क्रंची। 3 से 4 मिनट में प्रॉपर आपके ये पकोड़े तैयार हो जाएंगे। और अच्छी तरह से ऑयल आपने इनका पहले थोड़ी देर इस तरह रखना है आपने छलनी के अंदर, ताकि इनका जितना भी फालतू तेल है वो निकल जाए। इसके बाद आप किचन टॉवल पे या टिश्यू पेपर पे इनको निकाल दीजिएगा। बाहर बहुत ज़बरदस्त मौसम है, ठंडी हवा है, सॉफ्ट रूई जैसे सॉफ्ट और स्पंजी दही वड़े बनाने में आपको सिखा रही हूँ, जो कि बाज़ार में मिलते हैं। ये देखिए इस तरह से फूले हुए बहुत ही नरम सॉफ्ट ये दही वड़े आप बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ना सिर्फ दही बड़े बल्कि इसके साथ जो दही स्पेशल दही बनाया जाता है, और इसके साथ साथ ये जो इमली की चटनी, मीठी वाली, खट्टी वाली और सब्ज़ चटनी, सारी चटनियाँ भी मैं इंशाल्लाह बनाना सिखाऊंगी, और साथ ही दही बड़ों का मसाला भी आपको सिखाएंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ माश की दाल और मूंग दाल, अरहर की दाल जिसे कहा जाता है, ये दोनों दालें हमने भिगोई हुई थी। आधा कप माश की दाल थी, 1 कप माश की दाल और आधा कप अरहर दाल थी। ये हमारे पास 1 चम्मच नमक है, 1/2 टीस्पून मीठा सोडा था और ज़ीरा है, 8 से 10 कलियां लहसुन की और 4 से 6 हरी मिर्चें।
अब 1 कप माश की दाल, आधा कप मूंग दाल, ये 4 से 6 घंटे भीगी हुई थी, तो इसको हम सबसे पहले एक ब्लेंडर में डाल देंगे, जग में डालेंगे। अब इसके साथ ये 1/2 टीस्पून मीठा सोडा, 1 टेबल स्पून जीरा और 1 टीस्पून नमक, और 4 से 6 कलियां जो हैं लहसुन की हैं, और 2 से 3 हरी मिर्चें, 1/4 कप पानी डाल के बहुत अच्छी तरह से आपने ब्लेंड करना है 4 से 6 मिनट तक, इतना कि ये फ्लफी होना शुरू हो जाए। तो चलिए इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। ये देखिए दाल पीसना शुरू हो गई है हमारी, बहुत ही ज़बरदस्त, ये हर कोई आसानी से बना सकता है, ये नहीं कि सिर्फ मैं ही बना सकती हूँ, आप लोग भी बहुत, बल्कि मुझसे भी अच्छे इंशाल्लाह ताला, जब आप बनाएंगे तो आपके मेरे से भी अच्छे और फूले हुए रुई की तरह सॉफ्ट स्पंजी दही बल्ले जो हैं वो घर में आप बना सकते हैं। ये देखिए 4 से 6 मिनट हो गए हैं और ये फूला भी हुआ है देखें, और बहुत ज़बरदस्त ये बैटर हमारा तैयार हो गया है दही बल्लों का। तो इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से बीट करके तो अब निकाल लेते हैं। अब एक प्याले में निकाल लेंगे इसको, सारा जितना भी ये बैटर बना हुआ है, मिक्सचर बना हुआ है, अच्छी तरह से निकाल के अब आपने इसको बहुत अच्छी तरह से दोबारा बीट करना है ताकि इसके अंदर एयर जो है सर्कुलेट हो। अभी भी ये बहुत फूला हुआ है, लेकिन हमने अगर सॉफ्ट और स्पंजी दही भल्ले बनाने हैं तो फिर आपने इसको फेंटा बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से लगाना है, बीट बहुत अच्छी तरह से करना है। तो एक ही सर्कुलेशन में आप इसको बीट करेंगे तो अच्छी तरह से इसमें एयर जो है वो भर जाएगी और ये बहुत अच्छी तरह से फूलेंगे। इस तरह से आप इसको बहुत अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट अगर कर लेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। ये देखें ये 5 से 6 मिनट मैंने किया है, आप देखें इसका साइज कितना ज़्यादा फूल गया है, ये पहले से बैटर देख रहे हैं आप कितना फूला हुआ है। टेस्ट करते हैं इसको एक पानी के प्याले में डाल के, ये देखें ऊपर फौरन ऊपर आ गया, इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा बैटर तैयार है। चलिए ये देखें बिल्कुल स्लो फ्लेम पे अब मैंने इनको डालना शुरू किया है, ये आपको बैटर मैं नज़दीक से भी दिखा रही हूँ। ये देखें तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सारे जितने भी ये भल्ले हैं ये डाल देंगे, जितने जितने आपके गुंजाइश है उतने डाल दीजिएगा। अभी मैं चम्मच से इसको सेट करके दिखाती हूँ, देखें बहुत ही हल्का हो गया है ये बैटर, ये इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ तो बहुत आसानी से फोल्ड हो गया है। तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना हल्का और आपका बेहतरीन ये फूलेगा। तो एक की गुंजाइश और थी तो एक बड़ा जो है उसको मैंने मज़ीद डाल दिया। ये देखें 2 से 3 मिनट हुए हैं और अब मैं चम्मच की मदद से इनको टर्न कर रही हूँ तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने हल्के हैं, बिल्कुल जैसे हवा के कागज़ के बने हुए, रुई के बने हुए हैं, बिल्कुल हल्के फुल्के ये आपके वड़े जो हैं ये तैयार हो रहे हैं। और स्लो फ्लेम पे हमने इनको कुक किया है 3 से 4 मिनट, अब दूसरी साइड भी 3 से 4 मिनट इसको कुक करेंगे। ये देखिए परफेक्ट बेहतरीन माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बन गए हैं ये हमारे भल्ले जो हैं, आप साइज इसका छोटा बड़ा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो चलिए इनको अब निकाल लेते हैं, बहुत ही माशाल्लाह से अच्छे और बिल्कुल परफेक्ट हमारे ये भल्ले तैयार हुए हैं, आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। ये देखिए चलिए अब ये मेरे पास सिंपल पानी है, मैंने नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला इसमें, डायरेक्ट अब आपने ये भल्ले डाल देने हैं और इनको अब आपने कवर कर देना है किसी ढक्कन की मदद से, और आधा घंटा इसको कवर करके पड़ा रहने दें, फिर इसका साइज देखेंगे कितना फूलता है। आधे घंटे के बाद ये देखें इनके साइज, ये अपने साइज से कितने बड़े हो गए माशाल्लाह। और ये देखें मैं एक आपको दिखा रही हूँ हाथ में, सॉफ्टनेस चेक करें इसकी कितनी है, ऐसे जैसे बिल्कुल स्पंज होता है, बहुत ही शानदार ये भल्ले हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं।
ये इसी तरह से सारे हल्का हल्का आपने इनका पानी निचोड़ना है, बहुत अच्छी तरह से नहीं निचोड़ना। एक जो है वो मैं तोड़ के भी आपको चेक कराती हूँ, ये देखें सॉफ्टनेस, तो ये देखें आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट हमारा माशाल्लाह, ये रुई की तरह सॉफ्ट और स्पंजी दही बड़े जो हैं बड़े तैयार हो गए हैं। तो इसका जो दही और बाकी चीज़ें हैं अब उसकी तरफ चलते हैं। तो सब जितने भी हैं ये भल्ले, इनको हल्का हल्का पानी निकाल के तो अब आप रख लीजिए। लेकिन अगर आपने इनको बना के स्टोर करना है फिर आप इनको फ्राई करके उसके बाद किसी भी एयर टाइट डब्बे में फ्रीज कर सकते हैं। आपने भिगो के फ्रीज नहीं करने, आपने फ्राई करके इसको फ्रीज करना है इस तरह से। ये देखें सॉफ्ट, बहुत ही शानदार जी भल्ला माशाल्लाह। मसाला की रेसिपी आपको बताएंगे, होममेड दही बड़े का मसाला जो कि बहुत ही खुशबूदार, जायकेदार और बहुत ही टेस्टी दही भल्लों की चाट में, पापड़ी चाट में, आलू छोलों की चाट में। एक पैन जो है मीडियम फ्लेम पे तवे पे रखा हुआ है और इसके अंदर हम हाफ कप जो है ज़ीरा, 25-30 जो है काली मिर्च और 2 से 3 जो टुकड़े हैं दालचीनी के, ये डाल के इनको हल्का सा सोते करेंगे। हल्की सी जब इनकी खुशबू आने लग जाएगी तो इनको मैं निकाल लूँगी। आपने बहुत ज़्यादा इनको रोस्ट नहीं करना, इनका कलर नहीं ज़्यादा चेंज करना, बस इनको हल्का सा कड़कड़ाना है ताकि इनका बस खुशबू आने लग जाए। मैंने नीचे तवा इसीलिए रखा है ताकि ये जले ना। आप अलहदा अलहदा भी कर सकते हैं, यानी काली मिर्च अलहदा रोस्ट कर सकते हैं, ज़ीरा अलहदा, लेकिन रोज़ों के लिए, रमज़ान के लिए हम झटपट ये दही बड़ा मसाला बनाएंगे तो इसलिए हमने तीनों मसाले जो हैं इकट्ठे ही डाल के, तो हल्के से इनको सिर्फ ड्राई रोस्ट करना है। ये देखें, ये बेहतरीन सा इनका हल्का हल्का सुनहरी सा कलर हो गया है। तो इनको मैं उतार लेती हूँ, चूल्हा बंद कर दिया है। अब मैं इसमें करूँगी सूखा धनिया जो है उसको ड्राई रोस्ट करूँगी। तो ड्राई रोस्ट करने के लिए सूखा धनिया हमने 1 कप लिया है और साबुत सूखा धनिया है ये, और इसको भी हम स्लो फ्लेम पे जो है हल्का सा ड्राई रोस्ट करके तो इसको भी निकाल लेते हैं। चलिए, ये मसाले हमारे हो गए हैं। अब मैं आपको बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ ले चलती हूँ। तो ये हमने काली मिर्चें अलहदा निकाल के रख ली, दालचीनी और 2 लौंग मैंने इसमें डाले हैं, ऑप्शनल है आप डालना चाहें, और 2 जो हैं सब्ज़ इलायचियाँ इसमें शामिल की हैं, सब्ज़ इलायची भी ऑप्शनल है, अगर खुशबू पसंद है तो आप ज़रूर डालिएगा, उसके दाने निकाल के डाल सकते हैं, मैंने इसमें दाने शामिल किए हैं इसके। 1 कप हमारा ये साबुत सूखा धनिया रोस्टेड जो अभी हमने तवे पे भुना है, लाल मिर्च दादर मिर्च जो होती है ये हमने 1/4 कप ली है, और हाफ कप हमारा ज़ीरा है, इसके साथ ये आमचूर पाउडर है हाफ कप, ये बाज़ार में इजीली मिल जाएगा, टाटरी है 1 टेबल स्पून जितनी, काला नमक है 1/4 कप, और जिंजर पाउडर सूंठ जिसे कहा जाता है ये 1 टेबल स्पून भर के हमने इसमें शामिल करना है, और नमक है रेगुलर 1 टेबल स्पून, और अजवाइन है 1 टेबल स्पून। तो तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैं अलग अलग आपको दोबारा से डिफ़ाइन कर देती हूँ, समझा देती हूँ। ये देखें, अभी हमने जो बारीक वाले जो इंग्रेडिएंट्स थे उनको अलग कर लिया, काला नमक, सूंठ, टाटरी और आमचूर, लाल मिर्च और नमक और अजवाइन, इनको साइड पे करके एक प्याले में पहले मिक्स करके रख लेते हैं। आप पूरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह बाज़ार से भी मज़े का आपका ये दही भल्लों का मसाला तैयार होगा और साफ़ सुथरा बनेगा इंशाल्लाह तआला। तो ये काला नमक मैंने इसमें शामिल कर दिया 1 प्याले में, अब ये सूंठ जो है, ड्राइड जिंजर पाउडर जो है वो शामिल कर दिया, अब रेड चिली फ्लेक्स यानी कि लाल दादर मिर्च जो होती है, या इसकी जगह आप साबुत बेर मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन उसको हल्का सा तवे पे फिर आप थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिएगा। तो मेरे पास अभी रेड चिली फ्लेक्स थे तो मैंने यही शामिल किए हैं 1/4 कप। अब अजवाइन जो है 1 टेबल स्पून ये भी इसके अंदर शामिल कर देते हैं, अजवाइन जो है और जिंजर जो है ये आपको इरिटेशन नहीं होने देगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होने देगा, दही भड़े वगैरह या जो भी एक्स्ट्रा हम लोग जंक फूड खा लेते हैं रमज़ान मुबारक में, तो उनमें ये आपका खाना हज़म करेगा इंशाल्लाह ताला। ये टाटरी इसमें चली गई, नमक चला गया, काला नमक सादा वाला चला गया, पिंक हमालियन सॉल्ट या रॉक सॉल्ट जो भी आपके पास है आप डाल सकते हैं, या सिंपल जो लाहौरी नमक मिलता है आप वो डालें। अब हम एक चॉपर मशीन ले लेंगे डब्बी जिसमें एक मसाला पीसा जाता है, तो उसमें गरम मसाले, ज़ीरा भुना हुआ और भुना हुआ साबुत धनिया, इनको हम ग्राइंड कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा डाल के, तो अच्छी तरह से इनको ग्राइंड करके उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको इसका नेक्स्ट प्रोसीजर, आपने क्या करना है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। चलिए, ये हमने ग्राइंड कर लिए खड़े गरम मसाले,
ये हमारे हो गए, एक प्याले में निकाल लिए मैंने इनको, ये दरदरे से हुए हैं थोड़े से। आप बहुत फाइन इनका पाउडर बनाना चाहते हैं तो फाइन पाउडर भी बना सकते हैं। तो अब ये वाले जो बारीक मसाले थे, अब इनको हम पीस लेंगे। अलग अलग पीसने का मकसद ये था कि मोटे वाले मसाले जो हैं उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है पीसने में, और बारीक वाले जो हैं ये हमने बस हल्के से रफली ग्राइंड करने हैं, इनके बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करने, तो ये खुद ब खुद ही फाइन पाउडर बन जाता है। ये लेकिन बहुत महीन सा पाउडर, बारीक सा पाउडर बन गया। और ये वाले जो हमने गर्म मसाले बनाए थे ये भी इसमें डाल दिए। अब अच्छी तरह से इन सब मसालों को आपने मिक्स कर देना है। बहुत प्यारी इनकी खुशबू आ रही है, जो कि रोस्टेड जो मसाले हमने डाले हैं, साबुत धनिया और ज़ीरा जो था, उसकी वजह से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, अजवाइन की वजह से, कुटी हुई लाल मिर्चों की वजह से। तो अब इनको मिक्स करके ये देखें, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, तमाम जो हैं मसाले जो थोड़े थोड़े मोटे भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी इनके अंदर दो से तीन चीज़ें जो हैं वो मज़ीद आपने शामिल करनी है। अब मैं थोड़ा सा इसको मिक्स अच्छी तरह करके तो इसके बाद दिखाती हूँ इसमें दो से तीन जो चीज़ें हमने एक्स्ट्रा ऐड करनी है वो कौन कौन सी हैं, वो इसके खुशबू को, इसके जायके को मज़ीद बढ़ा देंगे। इसमें हम मज़ीद अब एक बड़ा चम्मच जो है रेड चिली फ्लेक्स का मज़ीद डालेंगे, और इसको हम साबत ही रहने देंगे। अब हमने कुछ भी ग्राइंड नहीं करना। अब भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून, ये इसमें हल्का सा दरदरा सा किया हुआ है हावन दस्ते में, वो 1 टेबल स्पून डाल दिया मैंने इसमें। और अब ये मेरे पास था 1 चम्मच जो मेरे पास ये गरम मसाले का पाउडर था, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब सारे मसाले मिक्स करके तो ये देखें बेहतरीन हमारा दही भड़ों का मसाला तैयार है। आज मैं इमली खजूर आलू बखारे की चटनी बनाना सिखा रही हूँ। ये मैंने आलू बखारे जो हैं ये मैंने भिगोए हुए थे 4 से 6 घंटे भिगो के, तो इनका पल्प निकाला है आलू बुखारों का, 1 कप जितना आलू बुखारों का पल्प है, यानी कि उसकी पेस्ट है। और इसके साथ साथ हमने 2 कप जो है इमली का पल्प इसमें शामिल करना है। इमली जो है वो तकरीबन मैंने इसमें 250 ग्राम ली है, 1 पाव इमली, और उसको 2-3 घंटे भिगो के तो उसका भी पल्प निकाल के मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो ये मैंने 2 कप इमली का पल्प, 1 कप जो है हमने आलू बुखारे का पल्प डाल के तो इसको पकने रख दिया है। अब ये देखें हल्का सा अभी 5 मिनट हुए हैं, थोड़ा थोड़ा सा इसका जूस निकलना शुरू हुआ है पल्प का। तो इसके अंदर जो मसाले हम शामिल करेंगे, पहले ये खजूरें हमने भिगोई हुई थी जो, ये भी इसमें शामिल कर रही हूँ गुठली निकाल के। तो फिर ये खजूरें हल्की सी मसली हैं मैंने हाथों से, 20 से 25 खजूरें थी, यानी कि 1 कप जो है खजूरों का पल्प है, तो ये भी हमने इसमें डाल दिया है अच्छी तरह से। अब इसमें हम कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून, काला नमक इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, चाट मसाला इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच, और गरम मसाला 1 टीस्पून डालेंगे। गरम मसाला स्किप भी कर सकते हैं अगर आप नहीं पसंद करते। तो तमाम चीज़ें जो हैं स्टेप बाय स्टेप इसमें डालेंगे। अभी ज़ीरा और हमने ब्लैक सॉल्ट और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी आपकी ये सॉस तैयार होगी, टैमरेंड इमली खजूर की चटनी। अब ये चीनी भी मैंने इसमें 1 कप जितनी चीनी शामिल कर दी है। चीनी आप ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं इसकी जगह, गुड़ भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप डाल लीजिए। मैंने रेगुलर शुगर ऐड की है लॉकडाउन में, बहुत ही स्पेशली रिफ्रेशिंग आपकी ये इमली खजूर आलू बखारे की चटनी जो है तैयार होगी। ये देखें गाढ़ी होने पे आ गई है। मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया क्योंकि जब हमने पल्प बनाया तो उसमें ऑलरेडी पहले ही थोड़ा थोड़ा पानी था, तो इसलिए आप मज़ीद इसमें पानी नहीं डाला, इसको पकने देंगे। ये तकरीबन इसको पकते हुए 1/2 घंटा हो गया है, स्लो फ्लेम पर मैंने बनाया है इसको। अब मैं इसमें चाट मसाला शामिल कर रही हूँ। चाट मसाला आप अपने टेस्ट के साथ डाल सकते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा पका के तो फिर इसको ग्राइंड कर लेंगे, छान लीजिए या ग्राइंड कर लीजिए जिस तरह भी आपको मुनासिब लगता है। मैं इसको डायरेक्ट ही ग्राइंड करूँगी। अब ये मेरे पास हैंड बीटर था, हैंड ब्लेंडर था, इससे मैं इसको झटपट इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ, सारी इसकी स्मूथ पेस्ट बन जाएगी। बहुत ही मज़े की ये समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ, चाट वगैरह, कचौरियों, हर तरह के दही भल्लों के साथ भी ये चटनी जो है ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो इसको आज ही बना के रख लीजिए, बहुत ही फ़ायदा है इसका, पूरे रमज़ान में इंशाल्लाह ताला आपके काम आएगी, और 2 महीने 3 महीने फ्रिज में भी रखें इंशाल्लाह ख़राब नहीं होती। तो इसको पकने देंगे अब हम, मज़ीद हाई फ्लेम पर इसको पकने देंगे।
10 मिनट ये मज़ीद पकाया है और कलर देखें इसका कितना प्यारा हो गया है। तो आप लोग भी ज़रूर इसको बना लीजिएगा, बल्कि आज ही बना के रख लीजिए। चलिए अब ये देखें, धनिया पुदीना और हरी मिर्चों की इमली वाली जो तीखी स्पाइसी चटनी होती है दही भल्लों के ऊपर डाली जाती है, उसको तैयार कर रहे हैं। तो उसके लिए एक गट्ठी मैंने जो है पुदीना लिया है और दो गट्ठी जो है मैंने धनिया लिया था, क्योंकि ये मैं पूरे रमज़ान के लिए बना रही हूँ इसलिए ज़्यादा मिकदार में बना रही हूँ। यानी 1 कप आप धनिया लेंगे, आधा कप पुदीना लेंगे और उसमें 8 से 10 मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से 1 या 2 डाल लीजिएगा, क्योंकि ये मेरे जो है धनिया और पुदीना की मकदार ज़्यादा है इसके हिसाब से मैंने ये हरी मिर्चें इसमें ऐड की हैं। तो हरी मिर्चें जो हैं आप अगर स्पाइसी खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। अब मेरे पास ये ज़ीरा है, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला हुआ है, आप कुटा हुआ भी डाल सकते हैं। ये इमली का पल्प है मैंने तैयार करके रखा हुआ है, इमली भगो के तो उसका पल्प तैयार करके निकाल लीजिएगा। आधा कप जितना ये गाढ़ा गाढ़ा इमली का पल्प है जो कि मैंने इसमें शामिल किया है, और आधा कप इसमें पानी डाल के तो अब इसको बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। बिल्कुल बारीक आपने इसको पीस लेना है, अच्छी तरह से ग्राइंड करना है कि ये थिक कंसिस्टेंसी में, ये देखें इस तरह से बहुत ही गाढ़ी जो है आपकी ये पेस्ट तैयार हो जाएगी। तो ये चटनी जो है आप इसको फ्रिज में 15 से 20 दिन आसानी से रख सकते हैं, और अगर फ्रीज करना हो तो आप आधी जो है उसको फ्रीज कर लीजिए और 10-15 दिन के लिए जो चाहिए आपको वो आप फ्रिज में किसी बॉटल में डाल दीजिएगा। तो ये देखें हरी वाली जो तीखी चटनी होती है दही भल्लों की, इमली धनिया पुदीना और हरी मिर्चें ज़ीरा और काला नमक, इसकी ये चटनी हमने तैयार की है। बहुत ही मज़ेदार ये चटनी, इंशाल्लाह आप भी बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त आपका भी ये चटनी तैयार होगी। तो चलिए इसको अब मैं बॉटल में डाल लेती हूँ। आपके पास जो भी बॉटल या कोई भी आपके पास कंटेनर, उसमें आप इसको जार वगैरह में डाल लीजिएगा। चलिए ये मैं आधी जो है इसको मैं फ्रीज करूंगी, तो इसको बड़ी बोतल में डाल रही हूँ और आधी जो है वो मैं केचप वाली छोटी बोतल में डाल रही हूँ, जो कि मैं मुख्तलिफ तरह की चाट्स वगैरह में यूज़ करूंगी तो उसको मैं फ्रिज में रखूंगी। ये बड़ा जार जो है इसको मैं अच्छी तरह से बंद करके तो फ्रीज करूंगी। बहुत आसान है, और पापड़ी चाट में समोसों के साथ, दही बड़ों के साथ, मुख्तलिफ तरह के इवन आप पकौड़ों के साथ भी आप दही में भी मिक्स करके इस चाट को चटनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें इस तरह की बोतल में डाल लिया है और अच्छी तरह से हिला के ये मैं फ्रिज में रख लूँगी। तो ये भी तैयार हो गई हमारी हमारी बेहतरीन चटनियाँ जो हैं ये दही भल्लों के लिए तैयार हो गई हैं। तो आप लोग भी इनको बना के तो रख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। चलिए अब आते हैं दही भल्लों के असेंबल की तरफ, यानी कि उसको आपने पेश कैसे करना है, मेहमानों के सामने या अपनी फैमिली के लिए तैयार करना है। सबसे पहले ये मेरे पास 1/2 kg 500 ग्राम जितना ये दही है, और इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून चीनी डाली है, पिसी हुई चीनी, और इसको बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है। दही हम ठंडा रखते हैं, दही मैंने ठंडा करने के लिए स्टील के डब्बे में डाला हुआ था। अब ये देखें ये भल्ले लेकर एक प्लेट में, तो इस पे पहले थोड़ा थोड़ा जो है दही डालेंगे। दही थोड़ी मिकदार में पहले आपने डालना है, अगर ज़्यादा दही डाला तो भल्ले जो हैं ये सारा दही जो है उसको जज्ब कर लेंगे, पी जाएंगे, तो ऊपर से ये बिल्कुल सूखे सूखे लगेंगे। अब इसके ऊपर से इमली की चटनी डाल देंगे। इमली की चटनी के साथ साथ अब इस पे हरी चटनी डाल देंगे। हरी चटनी के साथ मैं इस पे थोड़ी सी जो है आलू बुखारे की चटनी डाल रही हूँ। आलू बुखारे की चटनी मैंने ऑलरेडी आपको बनानी सिखाई हुई है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसकी जगह पे आप केचप भी डाल सकते हैं, और ऊपर से डाल देंगे दही बड़ा मसाला। तो तैयार हो गए आपके बड़े ज़बरदस्त ये दही भल्ले। चलिए उम्मीद करती हूँ आज की दही भल्लों की ये स्पेशल रेसिपी आपके बहुत काम आएगी, और ये चटनियाँ भी ज़रूर बना लीजिएगा, और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको आज के ये भल्लों की रेसिपी कैसी लगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, फिर हाजिर होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।
कली की मशहूर फ्रूट चाट हम घर में बनाना सिखाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से, अपने स्टाइल से, बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही चटपटी। अगर आपका दिल खाने को चाह रहा है लेकिन लॉकडाउन की वजह से आप अनारकली नहीं जा सकते और दूर बैठे हैं, अगर कहीं किसी और शहर में भी और मिस कर रहे हैं इस चाट को, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ये हमने अमरूद काटे हुए हैं, 4 से 5 अदद अमरूद हैं और इनके बीज निकाले हुए हैं हमने। इसमें फल जो हैं मैं शामिल करूंगी, आप देखते जाइएगा। अब ये मेरे 4 सेब हैं, 4 अगर अमरूद हैं तो सेब भी आप 4 ही ले लीजिएगा, और मैंने छिलके समेत काटे हैं। छिलके समेत ये बहुत क्रंची लगता है सेब, जो है जूसी जो सेब होता है येलो वाला, वो भी ले सकते हैं आप। और ये 6 केले हैं जो हमने काट के स्लाइसिस में डाल दिए। अब इसके साथ साथ अब हम स्ट्रॉबेरीज इसमें ऐड करेंगे, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरी अगर सीजनल आपको मिल जाती है तो आप डाल दीजिएगा, अगर नहीं मिलती तो आप इसके जगह पे पाइनएप्पल भी डाल सकते हैं। पाइनएप्पल या कॉकटेल जो मिलता है फ्रूट कॉकटेल, आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। स्ट्रॉबेरी से इसमें थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा, क्योंकि ये चाट जो है थोड़ी स्पाइसी होती है, थोड़ी खट्टी मीठी होती है। तो बहुत ही मशहूर नारकली की चाट जो है पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है ये अनारकली की फ्रूट चाट, जो कि बहुत ही आसान है बनानी। तो अब इसके अंदर हम माल्टे का जूस शामिल करेंगे। ऑरेंज जो है, अगर आपके पास फ्रेश ऑरेंज हैं तो आप डाल दीजिए, वरना इसकी जगह पे आप लेमन का जूस भी डाल सकते हैं। तो 1 अदद ऑरेंज जो है उसका जूस मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ऑरेंज के जूस से ये बहुत जूसी आपकी चाट बनेगी। और इसके साथ साथ इसमें इमली की चटनी डालेंगे, इमली और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी जो है वो इसमें डालेंगे। इमली की चटनी जो है वो तकरीबन 1/4 कप जितनी, या 4 टेबलस्पून आप कह लें, जो कि मैंने इसमें शामिल की है। और इसके साथ साथ अब इसमें 1 टेबलस्पून जितना मैं चाट मसाला ऐड करूँगी। चाट मसाला बाद में भी हम डालेंगे जब इसको सर्व करेंगे, ऊपर से लाल मिर्च और चाट मसाला दोबारा डालेंगे। अभी काला नमक ऐड किया है 1/2 टीस्पून जितना, और इसमें जाएगा शहद। शहद जो है वो 1 टेबलस्पून जितना हम इसमें ऐड करेंगे। शहद जो है ये बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर अच्छा दे देगा। और इसके साथ आप पहले इनको कर लीजिए मिक्स, और इसके बाद हम आपको बताते हैं इसका नेक्स्ट प्रोसीजर। फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएं। बिल्कुल ये फ्री है, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अपनी दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं, तो अब हम ले कर आते हैं अनार। अनार जो है वो मैं एंड में डाल रही हूँ, ताकि इनसे जो है फ्लेवर थोड़ा सा खट्टा मीठा आ जाए। रेड वाले अनार जो हैं ये लाजमी इस चाट में शामिल किए जाते हैं, और हर सीज़न में मिल जाते हैं आसानी से। तो मैंने तकरीबन 2 अनार लिए हैं और उनके जो हैं दाने निकाल के तो वो इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। बहुत ही चटपटी और बहुत ही मसालेदार ये फ्रूट चाट होती है, जो कि पूरे पाकिस्तान में बहुत फेमस है। स्पेशली अनारकली बाज़ार में कोई भी जाए तो वो इस फ्रूट चाट को लाजमी इंजॉय करते हैं, खाते हैं। अब इसके अंदर पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे हम। पिसी हुई चीनी की जगह शुगर सिरप भी ऐड कर सकते हैं। तो 4 टेबलस्पून जितनी पिसी हुई चीनी हमने इसमें ऐड की है, और इसके बाद अब दोबारा से इसमें हम चाट मसाला ऐड करेंगे। आमचूर पाउडर डाला है 1 टीस्पून। आमचूर पाउडर से इसका चटपटा फ्लेवर जो है वो और बढ़ जाएगा और बहुत मज़े का हो जाएगा। और थोड़ा सा चाट मसाला मैंने इसमें और डाला है। आप चाट मसाला अलहदा से भी रख सकते हैं अगर आप रखना चाहें। तो अब 1 लीमू का जूस जो है वो मैं दोबारा से इसके ऊपर डालूंगी। टोटल हमने 2 ऑरेंज का जूस जो है इसके अंदर डाला है। पहले 1 ऑरेंज का जूस डाला था, अब दूसरा ऑरेंज का जूस इसमें शामिल करेंगे। ये बहुत जूसी और बड़ी मज़े की चाट होती है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा पानी भी होता है जूस वाला, तो इस वजह से इसमें ऑरेंज का जूस जो है लाजमी डालते हैं।
अगर ऑरेंज ना मिले तो आप लेमन जूस डाल लीजिएगा, या फिर अगर लेमन भी ना मिले तो इमली का पल्प जो है वो हाफ कप डाल दीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल ये चाट हमारी तैयार हो गई है। तो इसको सर्व करने के लिए बाउल में निकालते हैं और इसके साथ इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला मज़ीद छिड़क देंगे। तो बहुत ही चटपटी अनारकली की मशहूर फ्रूट चाट आपके लिए हाजिर है। ज़रूर बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी बनी आज की ये चाट। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।